बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के नए टॉपिक के साथ मोहम्मद अब्बास। वीडियो को पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक हमने नया सिलसिला शुरू किया है आपके लिए, एक ऑनलाइन कोर्स का हमने अहतमाम किया है बहुत से दोस्तों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर, कि हम लोग चाह रहे हैं कि आप लोग खुद इस काबिल हों कि आपको किसी की मदद की ज़रूरत ना पड़े। तो इसके लिए हमने ये वाला ऑनलाइन कोर्स है, ये हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि 26 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। नीचे नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप पे, उस पर आप कॉल या मैसेज करके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर बैंक डिटेल ले सकते हैं। सबसे पहले हम एक नज़र दौड़ाते हैं कि मार्केट ने परफॉर्म किस तरह किया और मार्केट किस तरह चली। मार्केट जो स्टार्ट हुई वो इस पॉइंट पे जो कि 40,000 का लेवल था। उसके बाद मार्केट ने थोड़ा सा अपने आप को ऊपर लेके गई और दोबारा नीचे आई, और उसके बाद एक डीप लिया उसने और 39,900 के लेवल को भी तोड़कर नीचे आ गई। यहाँ से लग रहा था कि शायद मार्केट नहीं बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने वॉल्यूम जोन से वो आए वापस और मार्केट एक दफ़ा फिर जोन सी है वो 40,000 के लेवल को तोड़ती ऊपर चली गई और 40,100 से ऊपर जाकर बंद हुई, 40,144 के ऊपर बंद हुई, जो मार्केट के लिए एक अच्छा साइन है। वॉल्यूम बदतदरीज कम हुए और इसके अलावा जो चेंज आया वो 137.61 आया। डे रेंज में मार्केट जोन से 39,845 को टच किया और अपर साइड पे 40,183 को टच करके उससे बाद नीचे आके बंद हुई। मार्केट के लीडर्स में यूनिटी एक दफ़ा फिर आपको नज़र आ रहा है, यूनिटी मुसलसल परफॉर्म कर रहा है। यूनिटी फूड्स मुसलसल आपको मैं रिकमेंड भी कर रहा था कि इसमें आप एंट्री लें, लेकिन अब ये थोड़ा सा ओवर हीटेड हो गया हुआ, तो यूनिटी अभी भी जोन सा वो मार्केट के लीडर्स में ही शामिल है। कहते हैं कि मार्केट आगे क्या परफॉर्म करने वाली है। मार्केट ने कल ये जो बनाया ये दोबारा एक छोटा सा हैमर बना दिया। ये किस चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि मार्केट अभी बिल्कुल चौपी सेशन में जा रही है। ना मार्केट ने रेजिस्टेंस को तोड़ा और ना ही मार्केट ने पिछली सपोर्ट को तोड़ा और बिल्कुल दरमियान में एक छोटी सी कैंडल बना दी, जो कि एक हैमर बनता हुआ लग रहा है आपको। इससे क्या जाहिर है कि अभी मार्केट जोन सी है, उसमें इंटरेस्टेड नहीं है बायर और सेलर, सिर्फ जो शॉर्ट कवरिंग वाले हैं वो लोग ही आके अपनी चीज़ों को दुरुस्त कर रहे हैं, अपने जो सौदे हैं उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी मार्केट बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है आपको। अभी जैसे मैंने कल कहा था, ख़तरा टला नहीं है और अभी तक भी नहीं टला। आज के मार्केट की जो पहली सपोर्ट आपको मिल रही है वो ये छोटी सी सपोर्ट है जिस पर कल ये ओपन हुई थी ये, और जहाँ पे ये क्लोज हुई 40,000 की पहली सपोर्ट है, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट आपकी बनती है वो यहाँ पे आके बनती है। इसको आप राउंड फिगर करके 40,000 ही रखें, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट है वो बनती है 39,600 की आपके पास। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पहली सपोर्ट आपकी 40,000 पे और दूसरी सपोर्ट आपकी 39,600 के ऊपर लग रही है। आपको मार्केट का जो पहली रेजिस्टेंस है बहुत छोटी सी रेजिस्टेंस मिल रही है, वो इस पॉइंट पे 40,200 के पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे, और जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो इस पॉइंट पे मिल रही है आपको, और ये रेजिस्टेंस है 40,650 की। ये दो रेजिस्टेंस हैं, इनको जेन में रखिएगा, और दो सपोर्ट हैं, इनको जेन में रखिएगा। अगर मार्केट पहली सपोर्ट को तोड़ दे तो कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी चीज़ों को बेच के वेट करें जब तक मार्केट ऊपर नहीं आ जाती। ये स्ट्रेटजी बेस्ट स्ट्रेटजी लग रही है आजकल के माहौल में, क्योंकि अभी जो मार्केट है वो डल परफॉर्मेंस दे रही है आपको। आपके जो वॉल्यूम है बदतदरीज लो हो रहे हैं, जो कि खतरे का साइन है। कोरोना के आने से पहले जो आपने पहले का सेशन देखा, उस वक्त भी ये हुआ था कि आपके जो वॉल्यूम्स थे वो बदतदरीज कम हुए और मार्केट एक वक्त में नोज डाउन हो गई। मार्केट में बेहतरीन काम कीजिएगा, सोच और समझ के साथ काम करें, आप कभी अपना नुकसान नहीं कर पाएंगे। इन्हीं दुआ के साथ
कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।